उज्जैन का मावा बाजार है, ढाबा रोड भी इसे बोलते हैं, ठीक कहा आपने जी। और कुछ उज्जैन वासी हैं, चुनाव है, वोट आप डालेंगे ही, क्या जहन में रहता है जब वोट डालने जाते हैं? हमारे जहन पे एक ही बात रहती है कि विकास होना चाहिए शहर का, कोई भी नेता हो, कोई भी एक कोई भी नेता हो, विकास चाहिए। आज उज्जैन इतना पिछड़ा हुआ है, कम से कम 25-30 साल होगा ना, तो कोई यहाँ पे रोजगार है, कारखाने सब, उद्योग वगैरह सब बंद हो चुके हैं। उज्जैनवासी खाली महाकाल के नाम से चल रहा है कि वो इसी से रोजगार मिल रहा है। बहुत धन्यवाद। आप क्या सोचिए वोट देते हो और आपको क्या नहीं, क्या मुद्दा, क्या कमी क्या है, या अच्छा ही क्या है? राजेश श्याम मावा भंडार और जय किशन स्वीट्स, और यहाँ अगर हम अजय जी से कहें, देखिए क्या शानदार गुलाब जामुन है, मुंह में पानी आता है। और ये मावा है, ये मावा है, इसे दिल्ली में हम खोआ कहते हैं साहब, खोआ कहते हैं ना। क्या शुभ नाम है? जय किशन पोपटानी। अच्छा, ये आप ही के नाम पे दुकान है। वेरी गुड। कूलर की ठंडी ठंडी हवा, हाँ, गर्मी बहुत, आग बरस रही है। चुनावी पी लीजिए। चुनावी गर्मी कैसी है उज्जैन? चुनावी गर्मी अभी ठंडी है, थोड़े दिनों बाद इसका माहौल अच्छा रहेगा, सबका मनोबल ठीक है, बढ़िया है। अपना उज्जैन शहर एक धार्मिक नगरी के हिसाब से किसे वोट, क्या सोच के वोट देते हैं? नाम भले ही मत बताइए, किस तरह के कैंडिडेट को चुनते हैं आप? वो चुनना पसंद करते हैं? नहीं, वोट देने जाते हैं तो पहले से फिक्स होता है कि अपने को वोट किसको देना है। क्या सोच यही कि मुझे उस पार्टी को वोट देना है। किस पार्टी को? कौन वो पार्टी क्या काम करती है जो वोट देना है? जो काम करती है वो क्या काम करती है, जो काम करती है, अरे क्या सड़क बनाती है, क्या काम करती है, जो विकास कार्य करे उसको। उज्जैन में हो रहा है विकास कार्य, उज्जैन में हो रहा है, सब संतुष्ट हैं आप यहाँ के? अच्छा, स्वच्छता अभियान बिल्कुल बढ़िया है। बहुत धन्यवाद। और आपकी बहुत धन्यवाद। आगे चले थोड़ा, देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, अगर इन्हें हम पकड़े, क्या साहब क्या ले जा रहे हैं? अरे आप भी मावा, ये मावे का बाजार है क्या? हाँ, मावा बाजार। ये क्या मावे का बाजार है क्या? वो बाजार है क्या? क्या नाम है आपका? वोट देंगे? वोट देंगे ना। क्या सोच के वोट देते हैं? जो भी अच्छा सोच के देंगे। क्या फिर भी क्या सोचते हो बताओ ना? जो भी अच्छा सोच के दे देंगे इसको। क्या सोच के वोट देते हो? इसने क्या काम किया है, क्या देखते हो? कैंडिडेट देखते हो, पार्टी देखते हो, क्या देखते हो? काम देखते हैं, काम देखते हैं। वोट मिलना चाहिए ताकि नारी शक्ति को बढ़ावा मिले। देश के लिए या उज्जैन के लिए? देश के लिए, जो विकास के जो हाथ करेगा उसको वोट देंगे। तो अभी तक तो विकास हो रहा है उज्जैन, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको लगती है और होनी चाहिए? आप सफाई में दूसरे नंबर पे आए, बच्चों को विकास की जरूरत, कुछ उद्योग धंधों की जरूरत है ताकि रोजगार बढ़े। उद्योग धंधे मतलब महाकाल से पर्यटन से तो फायदा होता ही है, उद्योग धंधे भी रोजगार भी, तो मैंने उद्योग की समस्या है यहाँ की समस्या है, जो यहाँ पे उद्योग की है खाली बहुत छोटे उद्योग है, बड़े उद्योग सारे बंद हो चुके हैं। यहाँ उद्योग के नाम पर बहुत तकलीफ है, पर्यटन के थोड़ा तो पब्लिक आती है, बाहर की जनता काफ़ी रोटेशन है, बाकी उद्योग के नाम पर उज्जैन काफ़ी पिछड़ चुका है। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे सर? थैंक यू। बेरोजगारी का सबसे बड़ा मसला है, रोजगार भी है युवाओं के लिए। कुछ अच्छी चीज़ ऐसा उज्जैन में ये हुआ है, काम बहुत विकास हुआ है, सड़कें विकास तो सही हुआ, लेकिन क्या करते हैं सर आप? साहब मैं मावा का व्यापार करता हूँ, मावा बाजार ही पूरा है ना, सब लोग ज़्यादातर मावा का व्यापार करते हैं। वोट तो देते हैं आप? क्या सोच के वोट है? विकास होना चाहिए, बेरोजगार को रोजगार, 2 करोड़ नौकरी का कहा आपने, कहाँ नौकरी आ रहे हैं? नौकरी कहाँ है मोदी जी, नौकरी कहाँ है भाई? वादा किया ना आपने, वोट मांग रहा हूँ, कैसे वोट मांग रहे हो? हमने वोट काहे के लिए दिया था आपको? इसीलिए दिए थे। महंगाई चरम सीमा पर 28% GST लगा दिया, नोटबंदी में बिगड़ गए यार, सब चले गए। परिवार नहीं है, घूम रहे मारे मारे यार, विरोध भी ईरानी के लोग आधे तो मर गए, आधे हो रहे हैं पैसे के लिए। मोहन जी को बोल दिया दोबारे देख लो आपके हिसाब से। बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? आज के बारे में क्या सोचिए? देश का विकास हो, देश का या उज्जैन का, जिनका भी विकास हो, देखिए उधर जिनका भी विकास हो, देश का भी विकास हो। अरे बच्चे तुम जो आतंकवादियों से चल रहे हैं, टेररिस्ट, उनको ख़त्म किया जाए। और हिंदुस्तान की जो बेसिक चीज़ें चाहिए हमको, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, ये देश को इसलिए चाहिए, न कि ऐसी कारें चाहिए हमको। और डेवलपमेंट हो, वो आतंकवादी जितने भी हैं, जो मोदी जी ने हमारे स्टेट को 70 साल में जो काम नहीं करे हैं, वो मोदी जी ने 4 साल में कर दिखा, अच्छा दिखाया उनने। और कश्मीर से धारा 370 हटना चाहिए और 35 हटना चाहिए। बहुत बढ़िया। और उज्जैन में क्या होना चाहिए? और उज्जैन को पवित्र नगरी घोषित करना चाहिए। उज्जैन को जो पवित्र नगरी घोषित करना चाहिए, जो ट्रैफिक सुरक्षा वो भी सुधारना चाहिए। और देश की जो GDP है वो हमेशा बढ़ना चाहिए। बाबा कैसे हैं आप? क्या शुभनाम है आपका? उमराव सिंह यादव जी कहाँ रहते हैं? वोट तो देते ही हैं बाबा, वोट तो देते आए हैं बहुत पहले से। आपको लगता है कि वोट आप देते हो सही होता है, सही सरकार चुनते हो, सही लोग चुनते हो? क्या सोच कर चुनते हो बाबा? काम करो। क्या काम करें? क्या आपको ऐसा क्या लगता है कि काम हुआ है? काम हुआ है। आपकी उम्र क्या है? 65 साल। तो आप हमें बताइए, जब आप 20 साल के थे और आप 65 साल के, तब से अब तक आपने उज्जैन में क्या क्या बदलाव देखा? बहुत देखा है। जैसे कि बिजली पहले हम गाँव में नहीं थी, वो बिजली पे भी, जैसे शहर में 24 घंटा बिजली थी, वो गाँव में भी 24 घंटा बिजली का, क्योंकि लड़का बाजार का पड़ता था और गांव का पड़ता नहीं था, तो गांव वालों वास्ते भी नहीं 24 घंटा बिजली कर दी लड़का। और जैसे लाइन हमारे हिंदुस्तान की लाइन नहीं थी, 2 घंटा चलती थी, तो आप 10 घंटा बिल्कुल करेक्ट चले। सब देश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ गया, बहुत उन्नति हुई है, बहुत खुश है। और प्रदेश में एक नंबर लोग। आप खुश हैं बाबा, है ना? क्या करते, क्या किसानी करते? किसानी करते। बहुत बढ़िया। ठीक चल रही खेती? और घर परिवार में बच्चे सब कुछ? क्या करते हैं बच्चे? पढ़ाई करते हैं। कितने बच्चे हैं आप? आप बच्चे तो एक मर गया, एक है और वेल्डिंग का काम करता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। क्या शुभनाम है आपका? क्या शकील भाई, चुनाव का क्या माहौल है उज्जैन में? वोट देते हो? क्या सोच के देते हो, किसे वोट देते हो? तो अच्छा काम करें। उज्जैन में क्या क्या अच्छा काम हुआ है? तो जैसे सब बढ़िया है, रोजगार ठीक है, कमाई उमाई ठीक हो जाती है? नहीं नहीं। तो यार अरे महाकाल की वजह से कितने लोग आते हैं, तो हज़ारों लोग आते हैं, काम चल रहा है ना, मंदिर की वजह से शकील भाई की रोजी रोटी चल रही है ना, खुश हो ना भैया। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। उज्जैन की रहने वाली है, कब से रह रही हैं उज्जैन में? 15 साल। मतलब शादी के बाद रहती है, समझ गए हम। देखिए इससे पहले कहाँ से? अरे बात। कैसा है उज्जैन आपको? अच्छी सरकारें काम कर रही है, उज्जैन का विकास हो रहा है। सरकार काम तो अच्छी है। जाना पर हैं आप, तो फिर कचरा कम होगा, बच्चे 4 नंबर पर आएंगे। और क्या होना चाहिए? और यही है ना, अच्छे लोगों को इसमें उन्नति करना चाहिए और योगदान देना चाहिए साथ। क्या सोच के वोट देने जाती है? यही कि ना देश में अच्छा नाम हो, अच्छी तरक्की हो, इसलिए। अच्छा, देश या उज्जैन? चटना बेटा सबसे, अगर उज्जैन का चुनाव हो रहा है, यहाँ का सांसद चुनाव जा रहा है। नहीं, पूरे देश में, क्योंकि देश में ही अपना सपना बना है और अपना सोचते हैं तो वो तो फिर स्वास्थ्य सबका सोचो तो उसमें एरिया में डेवलपमेंट कैसा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अंदर बहुत अच्छे होना चाहिए, आपके एरिया में डेवलपमेंट होना चाहिए, रिप्रेजेंट कौन कर रहा है आपके एरिया को, ये सोच के वोट देना चाहिए, बेसिकली मेरा ये मानना है। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मुकेश सेन। मुकेश जी यहीं के रहने वाले हैं उज्जैन के? हाँ उज्जैन से। वाह वाह वाह। राजस्थान से बिकलान के गाँव में। उज्जैन में कैसे? उज्जैन में कैंसिल में आया था। उज्जैन वासियों से बात कर रहे हैं कि वो किसे वोट देंगे, कैसे लोग चुनाव पाएंगे। मोदी जी जितना सी है क्यों अच्छा है, विकास वगैरह बहुत अच्छा हुआ। बहुत धन्यवाद। क्या करते हैं आप? 2.5 लाख रुपये किस बात के मिले आपको? मोदी जी ने दिए कि भैया गरीब इंसान है तो मकान वकान बन जाएगा। बनाया मकान आपने? बन गया। ये अच्छा काम होता है। मोदी जी ने करवाया। इस बार क्या माहौल है? आप जैसे कितने लोग को मिले? 2.5 लाख। बहुत सारे लोग को हमें ये समझाइए, आपने किसी अप्लाई किया, कोई फॉर्म भरा, किसी सरकारी अधिकारी के पास गए? ये बात नहीं गए तो मैं भैया प्रधानमंत्री योजना है जिसके बाद वो हमारा मकान है, उसके पत्ते लगे हुए निकलेगा। वो हम रहते हैं विराटनगर में, रहते हैं बस्ती में। सही गला आरती पत्थरे से पकान मतलब कच्चे मकान में रहते हैं। तो भैया प्रधानमंत्री योजना निकालिए भैया, आप मकान की रजिस्ट्री करा और आपका आश्रम हो जाए तो उन्होंने कराया और आपके साथ वो बस्ती में होटल लोग हैं। आपको आपने मकान जाहिर सी बात है तो कोई इंसान होगा तो अच्छा होगा, अच्छे अच्छा हो अच्छा करेगा। जिसको बुरा लगा हुआ तो बुरा करना नहीं आ रही है, ऐसा करना पसंद आसानी से। लोकसभा चुनाव की हर खबर जानने देखने के लिए आप देखते रहिए एमपी तक। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।